हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी मटेरियल। स्वागत है आपका और एक नए स्टडी मटेरियल के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो भी हमारे टेलीग्राम मेंबर्स ने मुझे क्यूरीज पूछी थी उसके बारे में। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेरे एक पोल किया था, जिसमें पूछा गया था कि आप लोगों को मेरे ट्रेड्स करने में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोग फेस कर रहे हो, उसके लिए मैं एक खास डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है, इसके ऊपर वो पोल था। तो बहुत सारे लोगों ने यस करके वोट किया, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आज एक जूम मीटिंग अरेंज की है। खास करके इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, मैं जो आइडिया शेयर करता हूँ उसे किसी प्रकार ट्रेड किया जा सकता है, उसके लिए कौन सा रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने दो टेक्निक्स डिस्कस की है, 211 और 11, और दो तीन टेक्निक्स है उस पर और एक नए वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप हमारे ये एफर्ट्स आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, और इसी एफर्ट्स के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलता हूँ डायरेक्टली आपको वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हो जाएगा रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोटक बैंक का 1940 का कॉल है, इसका चार्ट है एक्चुअली, जो हमने परसों के दिन ट्रेड किया था। 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ हमेशा, 3 मिनट 15। एक्चुअली अगर लाइव मार्केट में हूँ तो मैं इस तरह से चीजें देखता हूँ। अभी सिर्फ लगा है, एक 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा होता है मेरे चार्ट पे, और एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। मैं कोई भी चार्ट देखूँ, ऑप्शन का देखूँ या कैश का देखूँ या फ्यूचर्स का देखूँ, हमेशा मैं दो टाइम फ्रेम रेफर करता हूँ, एक 3 मिनट और एक 15 मिनट, क्योंकि उसी तरह से चीजें देखने की अब तो आदत सी पड़ गई है मुझे। तो मुझे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है वो पता, तो इसके वजह से मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, और बाद में फिर 15 मिनट। तो मैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पे ही काम करता हूँ एक्चुअली। 3 मिनट तो ऑप्शंस में एक्चुअली मेरे रिस्क लेने की कैपेसिटी और सबकी बाकी जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स है उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी तो सेम नहीं हो सकती, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम स्टॉप लॉस दूँ। कम से कम मैंने एक तो आज तक जितने भी आइडियाज मेरे शेयर किए और लोगों से जितने बात हुए उस हिसाब से लोगों का एक जनरली 2000-2500 तक का एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा लोग तो ट्रेड नहीं कर पाते। इसकी वजह से मैं उसी लेवल तक का स्टॉप लॉस देने की कोशिश करता हूँ, और वो हायर टाइम फ्रेम पे पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करता हूँ। यही रीजन है, बाकी कुछ स्पेशल रीजन है नहीं वहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमने दिया था कोटक बैंक का बाय दिया था 41 पे, आई थिंक हाँ 41 पे बाय दिया था उस दिन फ्राइडे को। ये हमारा एंट्री था यहाँ पे, और स्टॉप लॉस था हमारा आई थिंक 34 का, कुछ तो स्टॉप लॉस था 34 का स्टॉप लॉस था इस लेवल पे, और यही ब्रेकआउट जो हमें कैप्चर करना था, ये वाला जो कैंडल, ये जो मूव मिला उसके बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अपना कोटक बैंक तो मूव देगा थोड़ा सा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार हमारी एंट्री होने के बाद वो हायर आई लगाते हुए ऊपर ही चला गया, कई लोगों ने यहाँ पे एग्जिट भी कर लिया उस दिन। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी मार्केट लाइव मार्केट में, लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। हेलो, यस जी, कोई बात करना चाहता है क्या? हेलो जी, म्यूट कर लेना आपने आपको, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसको भी कुछ क्वेश्चन है बाद में सबको अनम्यूट कर दूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो एंड में थोड़ा सा हम लोग
फिर आपको मैं बोलने की परमिशन दे दूंगा सर, तब तक थोड़ा सा एक तो हाँ कहाँ पे तो हम लोग ओके तो यहाँ तक तो सब ठीक है। जो अभी हमारी एंट्री बन रही है यहाँ पे, उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि ये जो पहले टारगेट दिया बाद में फिर वापिस अपने लेवल पे आया था, उस दिन बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी कर लिया। सिर्फ उनके एग्जिट का कारण ये कि उनको उनका रिस्क जो उनको चाहिए था, जो उनको लेना चाहिए, उनके कैपेसिटी के बाहर का रिस्क अगर वो लेंगे तो यही दिक्कत हो आती है एक्चुअली ट्रेड होल्ड करने में। जिस बंदे का अगर 2000 या 1000 का ही रिस्क कैपेसिटी है तो उस बंदे को एक्चुअली 2000 या 3000 के ऊपर का रिस्क होल्ड करने में वो अंदर से एक फीलिंग घबराहट सी हो जाती है उनको कि अगर 3000 लॉस हो गए तो क्या करेंगे। इसकी वजह से वो स्टॉप लॉस अपना सॉरी ट्रेड अपना होल्ड नहीं कर पाते ठीक से। तो एक्चुअली अगर हम जो स्टॉक्स जब हम लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक ऑप्शन, तब स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा रिस्क होगा ही, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस का लॉट साइज भी ज्यादा होता है और लॉट साइज ज्यादा होने के कारण उसके स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट का दिया तो भी आपका 700-800 रुपये तक का स्टॉप लॉस होता है, मगर स्टॉक ऑप्शन में वैसा नहीं होता है। अगर आप किसी छोटे वाले SBI जैसे स्टॉक को ट्रेड करने जाएंगे तो उसमें भी 2000, अरे SBI का भी कम हुआ है थोड़ा सा, मगर अभी भी उसका 1500 का लॉट साइज है, पहले तो 3000 हुआ करता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है उसका लॉट साइज। तो इतना 1 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब 3000 का लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोटक बैंक ने उस दिन लगभग ऑलमोस्ट कोटक बैंक डबल हुआ था उस दिन, 41 का अपना एंट्री था और उसने 88 के ऊपर का हाई लगाया है कोटक बैंक ने, जो हमने फ्राइडे को जो कॉल दिया था। तो अपना जो भी पैसा लगा हुआ था इसमें ऑलमोस्ट डबल हो सकता था अगर किसने यहाँ तक होल्ड किया होता, या एटलीस्ट उसको आधा मतलब 30-40 हज़ार में से 20-30 हज़ार रुपये आराम से वो कमा सकता था। अगर वो होल्ड कैसे करे वही चीजें हम लोग देखेंगे। पहले बात तो हमको करना क्या है आपको ये जो 41 का लेवल है यहाँ पे हमारी एंट्री है, जिसको मैं इसको थोड़ा ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी एंट्री है। जैसे ही मैंने सपोज अपना आइडिया शेयर किया कोटक बैंक 1940 वाला कॉल बाय, तो आप लोग अगर वो एक कोटक बैंक का चार्ट लगाना है और ऐसे ही जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया है 41 का जो लेवल दिया है मैंने, 41 का लेवल सिंपली ड्रॉ करना है चार्ट पे और वहाँ पे एक लाइन बना देनी है और सिर्फ वेट करना है उसके लिए। और बाद में आप जो भी आपका ऑर्डर डालते हो उस हिसाब से जैसे ही ये लाइन को ब्रीच करता है आपको एक 10-20 पैसे का बफर लगा के, 10 या 20 पैसे का बफर लगा के आपको उस स्टॉक में एंटर करना है सिंपली। और जो भी स्टॉप लॉस है जो भी स्टॉप लॉस दिया है उसको भी एक बार आप ड्रॉ कर लो और उसको एंट्री के बाद आप फिर अपना स्टॉप लॉस भी सिस्टम में डाल दो ताकि आपको हमेशा प्रोटेक्शन रहे। जो भी अगर स्टॉक स्टॉक ने रिवर्सल वहां से सडन रिवर्सल दे दिया तो आप प्रोटेक्टेड रहे, तो इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना ना भूले कभी भी। तो ये एंट्री था। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, फिर आगे एंट्री करने के बाद आगे ट्रेड को हैंडल कैसे करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आपकी पोजीशन साइजिंग और आप ट्रेड मैनेजमेंट किस तरह से करते हो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
आपके साथ में एक दो जो मेथड से वो शेयर करना चाहूंगा। एक फर्स्ट मेथड तो मेथड है जहाँ पे हम लोग 1-1 एक मेथड है और एक 2-1-1 का मेथड है, मगर इसके लिए अपने को अपना अकाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए तभी आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी का अगर आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो ये मेथड से 2-1-1 से, क्योंकि उसका लॉट साइज भी कम है और आपको कम पैसे में वो बाई कर सकते हो इसके लिए। अगर स्टॉक ऑप्शन में तो ये आपको कम से कम इतना ट्रेड करने के लिए आई थिंक 2 लाख के ऊपर आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए तभी जाके आप उसके ये 2-1-1 वाला आप कर सकते हो ट्रेड। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा 2-1-1 क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके साथ 2-1-1 वाला एक्सप्लेन करना चाहूँगा अलॉन्ग विथ एंट्री एंड एग्जिट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क होती है और हम लोग हमेशा प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं इसमें। एक्चुअली ये 2-1-1 वाला जो जो मेथड है उससे होता क्या है, ये सब ट्रेडर्स के लिए और सब अकाउंट साइज अकाउंट के लिए यूजफुल है। मतलब जो बड़े अकाउंट्स होते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, क्योंकि ये स्केलेबल होता है, इसी रेशियो में हम लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं। मतलब 4-2-2 या 8-3-3 इस स्केल में हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से और इसमें इस चीज़ से हम लोग अपना जो भी रिस्क रनिंग ट्रेड में है उसको इमीडिएट रिड्यूस कर सकते हैं, दूसरा फायदा है इसका। तीसरा फायदा है कि इस टेक्निक को यूज करके हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मार्केट में, जो भी आ रहा है प्रॉफिट हमेशा हम लोग बुक कर सकते हैं। ये चौथा फायदा ये इन लोगों के साथ है जो अपने ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हैं, ट्रेड अपने फेवर में जाता है, जिनके फेवर में ट्रेड जाता भी है, 1-2 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद उनका ट्रेड वहां से रिवर्स होता है और वो अपने स्टॉप लॉस को ले लेता है उनके, फिर लॉस में ट्रेड बुक करके वो ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम से जो भी बंदे जूझ रहे उनके लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंट देने वाला मेथड है। और एक इसे होता क्या है इस टेक्निक को यूज करने के बाद, कि हमेशा ये टेक्निक हम लोग यूज करते जाएंगे तो हम लोग को एक आदत सी गिर जाएगी, तो हमारा एक जो फियर होता है मन में कि प्रॉफिट कैसे होगा क्या होगा, तो हम इस टेक्निक को यूज करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहेगा तो हमारा इमोशंस जो है ट्रेड में जो वो नहीं रहेगा, बाद में आप एक मैकेनिकल सिस्टम की तरह उसको ट्रीट करोगे और उसी तरह से आपको एक बार आदत हो जाने के बाद आप इसको ट्रेड कर पाओगे। तो देखते हैं ये 2-1-1 सिस्टम है क्या। तो 2-1-1 सिस्टम मतलब सिंपली है क्या, जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे जब आप एंटर करोगे सिंपली आपको 2-1-1 मीन्स आपको 4 लॉट्स बाय करना है। यहाँ पे 4 लॉट्स सपोज एक कोटक बैंक ना होके निफ्टी का जो भी है मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी का जो हमने थर्सडे एक्सपायरी को जो कॉल दिया था उस पर दिखाना चाहता था, मगर ऑफ स्टॉक्स में ये अवेलेबल नहीं है, उसका ऑप्शन का चार्ट अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि वो पिछली एक्सपायरी का था तो इसकी वजह से वो चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो सपोज यही बैंक प्राइज एक्शन पे आप ध्यान दो, बैंक चार्ट किसका है मत ध्यान दो, सपोज यही अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है और उस पर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। सपोज हमने बैंक निफ्टी का यहाँ पे 4 लॉट बाय कर लिए और हमारा स्टॉप लॉस है 34, और हमारा स्टॉप लॉस है 34 का, तो हमने यहाँ पे 4 लॉट बाय कर लिया। अब हमारा रिस्क कितना हो गया, यहाँ पे हमारा रिस्क हो गया 7 पॉइंट का, 7 पॉइंट का रिस्क हो गया।
तो हम लोग का रिस्क 7 पॉइंट का हो गया, तो 7 पॉइंट इंटू 4 लॉट्स कितना होता है, 1 सेकंड बता दूँ, 175 पर लॉट होता है, पर लॉट 175, 700 रुपीज का रिस्क यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 लॉट के लिए। इतना तो कम बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली आपको आएगा नहीं, मगर एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो अभी करना क्या है, अभी आपके यहाँ आपके पास यहाँ पे 4 लॉट है, जैसे आपका 1:1 बैंक निफ्टी में ये 1:1 का जितना रिस्क आपने लिया उतना ही रिस्क एक बार ट्रेड आपके फेवर में जब ही चला जाए, 1:1 आपको अगर उसने दे दिया बैंक निफ्टी ने आपके फेवर में एक बार ट्रेड चलना चालू हो जाए, तो 1:1 के आपके जो भी जाने के बाद आपको पहला प्रॉफिट वहां पे बुक कर लेना है 2 पॉइंट्स का 1:1 पे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, और आपका 1:1 पे यहाँ पे आपने बुक कर लिए 2 लॉट, आपके पास रह गए सिर्फ अभी 2 लॉट। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना भी देर रुके यहाँ से इधर भी आ जाए, आपका जो ट्रेड चल रहा है ये 2 लॉट बुक करने के बाद, ये 2 लॉट बुक करने के बाद ये जो एरिया में बैंक निफ्टी कितना भी ऊपर नीचे जाए कुछ भी हो जाए, आपका ट्रेड रिस्क फ्री है, आपका ट्रेड टोटली रिस्क फ्री है, 0 लॉस है आपको। यहाँ तक भी अगर बैंक निफ्टी आता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट भी करता है तो आपका ट्रेड में 0 लॉस होगा आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 लॉट बुक कर ली है और आपके पास सिर्फ 2 लॉट है, तो 2 लॉट का यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 7 पॉइंट का, आपको जो भी 7 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ वही आपका 7 पॉइंट लॉस यहाँ पे होगा, मैक्सिमम लॉस वही होगा, जो आया था प्रॉफिट वही जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं जाएगा, आपको इतना बफर मिल रहा है उस ट्रेड को हैंडल करने के लिए और होल्ड करने के लिए ये टेक्निक से। तो आप सोचिए आपको इतना, मतलब पहले 7 पॉइंट था, अभी आपको 14 पॉइंट्स मिल रहा है, 14 पॉइंट्स का आपको एक बफर मिल रहा है ट्रेड को होल्ड करने के लिए और ट्रेड को ब्रीथ करने के लिए, तो उतना तो बफर बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट आप हम लोग क्या करेंगे, ये होने के बाद ये एक एडवांटेज इसका हो गया कि एक बार आपने टारगेट 1 पे 2 लॉट बुक करने के बाद आपका बफर जोन होगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा, आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा और आपके इमोशंस वो ट्रेड से हट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक नीचे तक आप 34 के लेवल तक आपको कोई भी रिस्क नहीं है, इसके वजह से आपका जो भी है इमोशन लेस ट्रेड हो जाएगा और आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, और जो बोलते हैं ना कीप योर विनर्स रनिंग जो कहावत है, उस तरह से आप उसको होल्ड भी कर सकते हो इमोशन लेस, तो आपको डर नहीं लगेगा होल्ड करने में। सपोज आपका एक बार यहाँ पे सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया, तो सेकंड टारगेट में आपका कितना होगा, 7 पॉइंट का रिस्क था, 7 पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट आपका 7 पॉइंट मतलब 14 पॉइंट का सेकंड टारगेट, यहाँ पे भी आपको 1 लॉट बाइक सॉरी 1 लॉट बुक कर लेना है, तो आपके पास अभी रिमेनिंग सिर्फ 1 लॉट बचा है, तो सिंपली आप अभी टोटली प्रॉफिटेबल हो, आप इसके बाद आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लेके आ सकते हो। तो इससे होगा क्या, आपका 1 लॉट रिमेनिंग है, 3 लॉट आपने टोटली अब तक बुक किए हैं, तो आपका 2 लॉट और 3 लॉट का प्रॉफिट जो भी होगा ना, आप अगर यहाँ से निफ्टी रिवर्स भी होता है तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 लॉट बुक किया है और यहाँ पे 1 लॉट बुक किया है, तो जो भी आपने 3 लॉट का जो प्रॉफिट बुक किया है तो आप 0 पे निकल जाओगे, 1 लॉट का जो भी है रिमेनिंग 1 लॉट आप 0 पे निकल जाओगे, 3 लॉट का आपको प्रॉफिट हमेशा बचेगा भाई, हमेशा और हमेशा आपको 3 लॉट का प्रॉफिट बचेगा इस सिस्टम को यूज करने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी बचा हुआ जो भी है आप उसको सिंपली 3 सवा 3 बजे तक होल्ड करो, दैट्स इट,
कुछ नहीं करना है उसको। उसके बाद आप ऐसे समझो कि आपने 3 ही लॉट से ट्रेड किया था और 1 लॉट को वो भूल जाओ लेके। सिंपली सिर्फ इतना करना है कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको 3:15 बजे 3:20 बजे आके या एटलीस्ट मार्केट बंद होने से पहले उस लास्ट वाले भी इसको क्लोज कर देना है कुछ भी करके। तो इससे होगा क्या, जो बैंक निफ्टी वाइल्ड मूव देता है, कभी कभी आप देखते हो 200 का फॉल 600 700 800 हो जाता है, तो वो आप लोग वो चीज कैप्चर कर पाओगे इसके वजह से। और वो जो लास्ट वाला जो भी ये बचा हुआ आपका लॉट है उसको होल्ड करने में आप हिचकिचाओगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने पहले से ही 3 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया और तीसरा और चौथा लॉट लॉट आपका रनिंग है, तो आप लोगों को इमोशनलेस ट्रेड हो जाएगा और आप लोग उसको मैक्सिमम होल्ड कर पाओगे। ये है 2-1-1 वाली अपनी टेक्निक, जहाँ पे हम लोग 4 लॉट से ट्रेड करते हैं और उसको अपना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। आपका अगर सपोज 1:1 पे भी 2 लॉट से वहां से रिवर्स हो गया तो आप निकल जाओगे विदाउट लॉस, या कॉस्ट पे अगर किसी ने लिया तो वो तो 2 लॉट का प्रॉफिट। इससे होगा कि आप बार 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 एक ही सिस्टम को आप जब यूज करोगे उसके बाद आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा अपने आप में कि कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट घर आ रहा है। चलो ठीक है, ट्रेड आपने फेवर में बहुत अच्छे, क्योंकि हर दिन आपको जैकपॉट नहीं लगेगा, हर दिन आपको पैसा डबल नहीं होगा, हर दिन कोटक बैंक ने जैसे डबल किया तो हर दिन तो वैसे नहीं होगा, मगर जिस दिन होगा उस दिन आपके पास 1 लॉट हमेशा पड़ा होगा जो मैक्सिमम कैचअप करेगा उस जो भी मूव वाइल्ड मूव जो दे रहा है वो स्टॉक या इंडेक्स, मगर हमेशा आपके पास 2 या 3 लॉट का प्रॉफिट हमेशा आता रहेगा। इससे आप जो कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट बुक करने की वो अपने आएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग में आपका अपने सिस्टम पे जो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो आपका उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सही बॉस ये अपने को प्रॉफिट दे रहा है और इस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। और एक ही टेक्निक को आपको बार बार रिपीट करना है, ट्रेडिंग है क्या गाइस, आपको रोज आपके यही एक ही टेक्निक हमेशा रिपीट करनी है। आपको 10 स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होगा गाइस, आपको एक ही स्ट्रैटेजी को डेली डे टू डे बेस मार्केट में आके वही स्ट्रैटेजी को रिपीट करना है, वही सेटअप को ट्रेड करना है। अगर जिस दिन सेटअप नहीं मिल रहा है उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है उसी अपने सेटअप का वेट करते हुए। आप ऐसा नहीं है कि सेटअप नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती अपना कुछ तो सेटअप बनाओ या ये ट्रेंड कुछ ट्रेंड लाइन बनाओ, कुछ अपना अलग ही कुछ बना दो, डबल टॉप बना दो, डबल बॉटम बना दो, सपोर्ट बना दो, रेजिस्ट बना दो, ऐसे करके आप ट्रेड करोगे तो फिर वो तो अलग ही चीज है जिसमें मैं बिलीव ही नहीं करता। मुझे मेरी हमेशा जो भी मेरी स्ट्रैटेजी से जो भी मैं जिससे मैं काम करता हूँ वहां पे हर एक जगह पे रूल्स रूल्स है, वो रूल्स वहां पे मैच होने ही चाहिए। मैं कभी भी अपने मन से नहीं सोचता कि अरे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अरे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो चलो यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसे नहीं गाइस। मुझे मुझे उस लाइन को ब्रेक करने के लिए वो या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए उसके पीछे कुछ ठोस जो भी मेरे सिस्टम मैंने बनाया हुआ है उसका बैकिंग चाहिए, तभी जाके मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है। आपके जैसे लेवल कैसे डाउन कर सकते हैं सर? एक्चुअली इसका बहुत सिंपल आंसर है, अगर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से, उसके साथ किसी भी स्ट्रैटेजी को आप जब ट्रेड करते हो तो आप अपने मन से कुछ भी मार्केट जैसा होगा, जैसे मैंने अभी बताया ये ट्रेंड लाइन खींच दी, फिर मैं देखूंगा ये ब्रेक हो जाए तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो फिर मैं उसको वहां पे शॉर्ट कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है सर। आप ने पहले से कुछ रूल्स बनाने चाहिए, उस रूल्स
जो वो रूल्स मैच होंगे उस दिन जाके, तब आपको, जैसे मैंने आपने पुल बैक स्ट्रैटेजी में बताया है कि आपको पुल बैक सिस्टम अच्छा है, मगर वो पुल बैक जो भी है, आप कौन सा वाला पुल बैक कंसिडर करोगे? अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये जो यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव दिया है ये वाले एरिया में, उसके बाद आप वेट करोगे पुल बैक के लिए, और पुल बैक कहाँ तक आएगा? आपने सोचा 2 कैंडल का पुल बैक है, नहीं रुका, 3 कैंडल का पुल बैक है, नहीं रुका, आपने सोचा चलो यहाँ पे पुल बैक रेड कैंडल बनाए, थोड़ी सी ग्रीन बना दी, शायद यहाँ पे रुकेगा और यहाँ से रिवर्स जाएगा, नहीं रुका, आपको एक उसके साथ एक रूल बनाने पड़ेंगे कि हाँ ये पुल बैक परफेक्ट है, यहाँ पे एंट्री करूंगा। जैसे हमने यहाँ पे एक अपने जिस स्ट्रैटेजी हमने यूट्यूब में शेयर की हुई है, उसमें हम लोगों ने पूरा उसमें डिटेल में बात की हुई है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर उस वीडियो में। तो आपकी सिस्टम जो भी है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बना रही है, वो सिस्टम को आपको रूल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगी। ठीक है जी, ये जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करके प्लेलिस्ट है, वहां पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर हुई है, जो भी अगर नया है वो लोग देख सकते हो। पुल बैक है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, वी बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो बहुत ही बढ़िया मार्केट में काम करती है, और इसके में डे टू डे बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में अपना एग्जाम्पल्स भी शेयर करता हूँ कि ये हो रहा है, ये स्ट्रेटेजी की मदद से इसने ब्रेकआउट दिया और इसने प्रॉफिट दिया, ये तो चीजें हम लोग रोज डिस्कस कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो यही इसी तरह से हम लोग एंट्री एग्जिट कर सकते हैं इसमें, सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एंट्री एग्जिट, आपको एंट्री तो करना होता होगा, मगर थोड़ा सा आप अपना पोजिशन जो ठीक से बना नहीं पा रहे थे, उस हिसाब से आपने थोड़ा सा लॉट साइज में आपके चेंजेस करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। या दूसरी और एक टेक्निक है, आप वो भी यूज कर सकते हो, 1-1 वाली। 1-1 में सिंपल आपको क्या करना है, 1-1 में 1-1 वाली जो है उसमें आपको दो दो लॉट बाई करना है। सपोज ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है आपका, आपने यहाँ पे दो लॉट बाई किए, आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे होगा शायद इस लेवल पे, तो आपको यहाँ पे सिंपली एक लॉट बुक करना है। तो एक लॉट बुक करने के बाद आपको यहाँ से स्टॉप लॉस तक का आपका पूरा जो भी जोन होगा वो आपका फ्री होगा, आपको एक ही भी रुपए का रिस्क यहाँ इस एरिया में, तो आपको एक भी रुपए का रिस्क नहीं होगा क्योंकि आपने एक लॉट यहाँ पे ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो इस तरह से चीजों को देखना सीखो और इस तरह से इंप्लीमेंट करना सीखो, तो आप जो भी रिमेनिंग एक जो आपका जो इसमें दूसरा लॉट होगा तो उसको आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आप। ये तो शायद टाइम खत्म हो रहा है जूम मीटिंग का, तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा रैप अप करते हैं, उसके बाद वापस से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे आप लोगों से। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी और आप लोगों को कुछ फायदा होगा इस चीजों से। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो गाइस। इसको अनम्यूट कैसे करना है मुझे पता नहीं है, एक्चुअली करना चाहता हूँ मगर कैसे करना है, कहाँ से करना है, आज क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा है यहाँ से अनम्यूट। अनम्यूट ऑल, ओके ये आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप गाइस, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो क्योंकि शायद इसका टाइम खत्म होने को आया है जूम मीटिंग का, 40 मिनट का फ्री वाला वर्जन होता है उसमें। तो कुछ क्वेश्चन है, आशु, कपिल, पारुल,
हाँ बोल रहे रहेगा तो फिर पूछता हूँ जी। हेलो गाइस, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे तो मेरा आईडी आपके पास सही है, आप डायरेक्टली वैसे हम लोग वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो यही थोड़ा सा डिस्कस करना था। थैंक यू आप लोगों ने, सब लोगों ने जो अपना कीमती टाइम यहाँ पे दिया और ज्वाइन किया हमारे इस छोटे से ओके सर, पेशेंस, थैंक यू। छोटे से एक ऑनलाइन थैंक यू सर। तो अगर कोई आएगा तो बाद में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू देन, बाय बाय। यस सर। ओके बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।